श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। पशुपतिनाथ व्रत की पूरी पूजा विधि आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। यदि आप नहीं जानते हैं कि कैसे पूजा करनी चाहिए, किस चीज़ के बाद क्या अर्पित करना है, शिव जी को क्या क्या चढ़ाना होता है, आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे पहले शिव जी पे जो भी सामग्री चढ़ी होती है वो हटाना होता है, सबसे पहला काम ये होता है। इसके बाद शिव जी को जल चढ़ाया जाता है। इसके बाद पंचामृत, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, पंचामृत पांच चीज़ों से मिलकर बना होता है, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। इन पांचों चीज़ों का मिश्रण एक साथ शिव जी पे चढ़ाया जा रहा है। जब पंचामृत का थोड़ा सा भाग बचे पात्र में तो उसे अपने साइड पात्र का मुख करके फिर शिव जी को अर्पित करना चाहिए, ताकि हम भी ऐसे ही संपन्न रहें। इसके बाद शुद्ध जल से पुनः स्नान कराना होता है शिव जी को। इसके बाद फिर जो चंदन होता है वो शिव जी को चंदन से स्नान कराना होता है। फिर पुनः शुद्ध जल से आप शंकर जी को स्नान कराएं। स्नान के दौरान पूरे मंदिर की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। आप उन्हें अच्छे से स्नान कराएं, आजू बाजू से पूरे अच्छे से सफाई ज़रूर करें। इसके बाद फिर आरती चढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाएं, उन्हें अष्टगंध से तिलक लगाएं। जो गणेश जी का स्थान जलाधारी में बना होता है वहाँ पे भी आपको तिलक लगाना होता है। नंदी जी पे भी आप जनेऊ चढ़ाएं, आरती चढ़ाएं। आप देख रहे हैं पशुपति नाथ व्रत पूजा विधि। पूजा विधि पूर्ण रूप से ऐसे ही की जाती है। ये शाम की पूजा विधि चल रही है इस समय। सुबह की पूजा विधि में सिर्फ एक दिया ले जाया जाता है और शाम की पूजा विधि में छः दिए ले जाए जाते हैं थाली में, ये, और भोग सामग्री ले जाई जाती है। वहीं जाके तीन हिस्से करने होते हैं। ये देखिए, सबसे पहले गणेश जी को लगाना है, फिर कार्तिकेय जी को अष्टगंध लगाना है, शिव जी को लगाना है, और जो गौरी माता और जो बीच में अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है उनको आप रोली लगा सकते हैं। ऐसा त्रिपुंड बनाइए शिव जी पे। शिव जी त्रिपुंडधारी हैं तो उनके ऊपर त्रिपुंड लगता है। गुलाल चढ़ाइए, अभीर चढ़ाइए। ये देखिए, गुलाल, अभीर, चावल चढ़ाइए। ऐसे ही नंदी जी को भी पूजा कीजिए गुलाल अभीर से। इसके बाद शिव जी पे बेलपत्र, फूल, धतूरा, ये सब अर्पित करना होता है, जो सामग्री आपके पास है। आपके पास भस्म है तो आप भस्म भी शिव जी को चढ़ाइए, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं भस्मी भी चढ़ाई गई है। ये देखिए, आग के फूल हैं, ये आग के फूल चढ़ाइए शिव जी को। बेलपत्र चढ़ाइए जितने भी आपके पास हो। इस तरीके से पूरी पूजा विधि करने के बाद आपको पांच दिए जलाने होते हैं। पांच दिए जलाइए। पांच दिए जलाने के बाद आप छठा दिया, आपको तो घर आके देरी पे आपके राइट साइड में जलाना ही है। इसके बाद प्रसाद सामग्री भी आपको वही मंदिर में ही तीन हिस्से करने होते हैं। तीन हिस्से मंदिर में ही करने होते हैं, दो हिस्से आपको वहीं पे छोड़ के आना होते हैं, और एक जो हिस्सा है आपको खाना खाते समय सबसे पहले प्रसादी ग्रहण करनी होती है। एक दिया आपको अपने घर की राइट साइड में देहरी के पास में जलाना होता है। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।